Hi guys, welcome back to our YouTube channel. So today this video is going to be a very interesting क्योंकि आज हम करने वाले हैं prank call और वो भी किस पे रिश्तेदारों पे मतलब कि मैं मामा को करूँगी मौसी को करूँगी सबसे पहले मैं मामा को करने वाली हूँ और prank क्या है ये आप सुन लेना तो let's go मैं थोड़ी ना अभी तो नहीं उठा रहे तो अब मैं मौसी को कॉल करने वाली हूँ सो लेट्स गो शिविका मैं शिविका बोल रही हूँ विद्या मंदिर से आप यश की मामा बोल रही हैं हम लोग आए थे विद्या मंदिर की तरफ तो वहाँ पर हम आए थे एक लाइक प्रमोशन करने के लिए एक आपका बच्चा 4th स्टैंडर्ड में है ना तो हम आपके स्कूल में आए थे और वहाँ पे हमने कुछ बच्चे को सेलेक्ट किया था जिनके 80% से अब थे मार्क्स उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं 80% से अब जिनके आए हैं नंबर तो 80% का स्कॉलरशिप है तो आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ लाइक 4000 देना है और आपके ही स्कूल में हम लाइक एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे और आपके 4th क्लास स्टैंडर्ड में लाइक ट्यूशन देंगे सिर्फ 4000 है नहीं नहीं ये एक ही रहा है साल का है 4000 क्या है ये साल का मतलब क्या है ये जैसे 4th स्टैंडर्ड में है ना तो हम वही 4th स्टैंडर्ड का उसको पढ़ाएंगे और भी स्कूल में ही होगा फिर हाँ जी बस एक घंटा हाँ जी इसका क्या कुछ ऐसा भी है कि जैसे EMI पे हम किस्त में पैसे दे सकें नहीं ये 1 ईयर का है तो 4000 आपको इकट्ठा देना पड़ेगा कोई गुनाह किया है कि मैं डरा सकूं आप बता देखो मुझे सच बताओ इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना आपके बारे में कि आपने लोन लिया है कि नहीं लिया है क्या किया है नहीं ये थोड़ा सा रिलेटेबल हो सकता था क्योंकि होता है ऐसा इसलिए हेलो ठीक है ओके बाय हमारी दूसरी मौसी का और लेट्स गो थोड़ा सा अब थोड़ा नर्वस कम हो गई है क्योंकि एक बार हो गया ना हेलो मेरी ममता से बात हो रही है हेलो आप ममता बोल रहे मुझे ममता से बात करनी है आप ममता को दीजिए अच्छा जो वो आए तो वो दे देना सो अब मैं करने वाली हूँ मामी को कॉल सो लेट्स डू दिस हेलो हेलो आप सरोजनी बोल रही है आप श्रवण कुमार की वाइफ है श्रवण कुमार ने ना लोन लिया था 60000 का तो जो उन्होंने नंबर दिया है ना तो वो स्विच ऑफ आ रहा है तो आपका फिर नंबर दिया था कि अगर वो ना लगे तो उन्होंने अभी तक पे नहीं तो उन्होंने पे नहीं किया है तो उन्होंने पे नहीं किया है तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहे हैं तो बताएंगे आप कब तक पे करेंगे ठीक है आप मुझे हाँ जी बिल्कुल मैम कौन से बैंक से लिया हुआ
आईसीआईसी आईसीआईसी ये मुझे चेक करना होगा, तो आप पहले एक बार अपने हस्बैंड से पूछ लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगी। हाय, जहाँ आप रहती है? हाँ, तो खानपुर रहती हूँ। जी नहीं, खानपुर नहीं। वहाँ पे बताओ कि जरा तुम तो। एक सेकेंड, साकेत। हेलो जी, साकेत आ सकती हैं आप? साकेत कहाँ पे? मेट्रो स्टेशन के पास है, आप वहीं पहले आप बता दीजिए। अगर आप आ सकती हैं तो मैं आपको एड्रेस दे दूंगी सर। हाँ जी। अच्छा, हेलो, डॉली बोल रही हूँ। ये मेरा नंबर है ना, तो मैंने प्रैंक कॉल किया ऐसे। तो नमस्ते मौसी जी। डॉली उठाया था तो मैं फिर से कर लूँ, लेट्स सी कि होपफुली अब उठा लें, क्योंकि प्रैंक खत्म करते हैं अब। आप शबन कुमार बोल रहे हैं? आप किराए पे रूम दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आप किराए पे रूम दे रहे हो? किराए पे? हाँ, कमरा रूम चाहिए ना मुझे, इसलिए। कहाँ पे आप, कहाँ से बात कर रहे हो? नोएडा। अच्छा, तो देखा आपने वो रूम जो है? हाँ मैंने देखा। अच्छा, कौन सा वाला? मुझे बड़ा वाला चाहिए। और कितने लोग रहेंगे? दो लोग। हाँ? दो लोग। अच्छा, दो लोग रहोगे? चलो मैं थोड़ा आपको ना फोन करता हूँ, थोड़ी देर फिर मैं बताता हूँ आपको। मुझे एक साल के लिए चाहिए बस। बस एक साल के लिए? क्या है मतलब एक साल का क्या है? आर्टिकलशिप चल रही है ना, तो उसके लिए चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं आपको ना थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ठीक है। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं उठाऊंगी, अभी नहीं, अभी नहीं। कट गया, रुको मामले का ही कर देती हूँ। हेलो। हेलो, हाँ जी, आपका आपने बात करी अपने हस्बैंड से? हाँ जी मैडम, मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, इसलिए मैंने कॉल किया आपको। कितना अमाउंट है मुझे बताइए आप। इट वाज अ प्रैंक। हाँ हाँ, मिठाई अब हम सेव कर लेंगे। आप मैम बोला ना, अभी मैं आपको फोन करता हूँ थोड़ी देर में। पता चल गया तो भी नहीं बोलेंगे इतने सारे लोगों का। घर पे ही हो ना? नहीं, नहीं मैं बाहर हूं। बोलिए क्या हुआ? अच्छा मैं डॉली बोल रही हूँ। मैं डॉली बोल रही हूँ। कि 60,000 का आपका लोन चल रहा है, 4% का आपने अभी तक नहीं भरा है, ऐसा कुछ बताया होगा? उन्होंने बोला था, मैंने बोल दिया था पहले कि ऐसा तो मेरा कोई लोन चल नहीं रहा, गलत बोला है। गलत बोला है। अगली बार तुम पता नहीं बोल रही थी कि अगली बार आएगी तो सीधा गाली दूंगी। सच बताऊं तो मैंने करा, उन्होंने बोला कितने अमाउंट का लोन चल रहा है, ऐसा बोल रही थी। नहीं, एक देते हैं ना कि अगर आप चुका ना सको तो देते हैं ना। ऐसी बैंक से तो मैंने आज तक लिया नहीं है, वो तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। मम्मी ने बताया इसे। अच्छा वैसे ये वीडियो YouTube पे आएगी तो आप देखना आराम से। और जिस मैंने सबके साथ प्रैंक किया है, मौसी के साथ, मामी के साथ, सबके साथ। ओके ठीक है, मेरा लाइफ तो हमेशा देखने से पहले आ जाता है।
अच्छा ठीक है, ओके बाय. That's it of today's video. Subscribe for more videos.